हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइज, एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, और दोपहर के 2:30 से 3 बज रहे हैं, और आद्या सो करके उठ गई है क्योंकि ये 12 बजे के आसपास ही सो गई थी। और सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आज का जो ये मेरा ब्लॉग है ना, ये एक ही दिन में मैंने नहीं कम्प्लीट किया, इसको बनाने में ना मेरा पूरा 2 से 3 दिन लग गया है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने ब्लॉग थोड़ा थोड़ा करके बनाया हुआ था, तो बस वही सारा कुछ एक साथ एडिट करके मैं पहुंचा दे रही हूँ आपके पास। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे घर में बिल्कुल चहल पहल क्यों नहीं है, क्योंकि मम्मी भाभी अभी तक सब लोग थे, तो पूरा घर एकदम भरा भरा सा रहता था। इतनी ज़्यादा हलचल मची रहती थी कि सबकी आवाज़ इधर से उधर गूंजती रहती थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आज मम्मी भाभी सब लोग मौसी के घर चले। बाथरूम में मैंने कपड़े जो है वो धुल करके रखे हुए थे और फैलाया नहीं था उनको, तो पानी अच्छे से निकल चुका है कपड़ों का। कपड़े ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, और आजकल धूप बहुत तेज़ वाली होती है, इसलिए मैं दोपहर में कपड़े नहीं डालती हूँ बाहर, क्योंकि इससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनका कलर चला जाता है। तो जब थोड़ी सी धूप शाम वाली जो होती है, जो जब धूप जाने लगती तभी मैं डालती हूँ, और यहाँ पर तो मैं अंदर ही डाल दे रही हूँ इस तरीके से रेलिंग्स में सारे कपड़े, तो ये आराम से सूख भी जाएंगे यहाँ पर हवा से, और ज़्यादा धूप में भी नहीं डालना पड़ेगा। और कुछ कपड़े मैं बाहर लेकर के आ गई हूँ, तो बाहर बालकनी में भी धूप ऑलमोस्ट जा चुकी है, लेकिन शाम तक में हवा से ही गर्मी से ही ये सारे कपड़े सूख जाने हैं, तो इसीलिए मैं इनको पूरे दिन धूप में नहीं डाल करके रखती हूँ। 2-3 दिनों से ना ओजस था, तो इतनी मस्ती हो रही थी, बार बार मेरी कल जितने भी किचन के बर्तन होते थे, कढ़ाई होता था और चमची होती थी या जो भी होता था, तो उसको चाहिए होता था, और वो आके मुझसे स्पेशली बोलता था कि बुआ कढ़ाई खाली कर दो, मुझे खाना बनाना है। तो ओजस का जो किचन है वो अलग ही चलता रहता है। और बस यहाँ पर कपड़े डालूंगी, और उसके बाद मुझे कहीं जाना भी है, देखते हैं अभी निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं। नहीं निकल पाएंगे तो फिर कल ही जाएंगे, और इनका है आज व्रत, तो व्रत के लिए भी मुझे इनके लिए खाना बनाना है। और फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने, क्योंकि दूसरे टाइम भी झाड़ू लगाना ज़रूरी हो जाता है। सुबह मॉर्निंग में झाड़ू पोछा किया हुआ था, लेकिन शाम तक आते आते ना तो इतनी ज़्यादा डस्ट गंदगी घर के अंदर आ जाती है, और अभी ना एक दो झोंका आंधी जैसे भी आया हुआ था। मतलब आंधी पूरी प्रॉपर नहीं आई थी, लेकिन ऐसा लगा था कि जैसे थोड़ी सी आंधी आई, तो उसके कारण ना भी पूरी धूल अंदर अंदर आ जाती है। तो बस मैं यहाँ पर झाड़ू लगा ले रही हूँ। उसके बाद किचन में हमारे जो लंच के थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे, और आज मैंने लंच में कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाया था, इनका फास्ट ही था, तो बस मैंने और अपने और आद्या के लिए दलिया ही बना ली थी, तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, बहुत थोड़े से ग्लास वगैरह कुछ बर्तन हैं जो हैं, बस वही धुलना है। तो चलो इनको धुल करके साफ़ कर लेते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं और क्या काम है। और इंडियन हाउस वाइफ का जो रूटीन होता है वो ऑलमोस्ट किचन तक ही सीमित हो जाता है, तो बस यहाँ पर मैं गैस को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि व्रत के लिए पहले मुझे बना करके रख दूँगी, फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर किचन को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, स्पेशली गैस को अच्छे से पोंछ ले रही हूँ साफ़ कपड़े से। पूजा पाठ में व्रत में ये सब शुद्धता है जो ध्यान दी जाती है, ये सब करना चाहिए। ट्यूसडे का है, मंगलवार का इनका फास्ट है, तो यहाँ पर ये ऑफिस से आ चुके हैं, तो इनके लिए और अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ। और मंगलवार के व्रत में
सुबह मॉर्निंग में इन्होंने फ्रूट्स वगैरह लिया था। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं, फ्रूट्स है, चाय है, ये सब ले सकते हो। बिना नमक वाला जो भी फलाहार आपको खाना है वो आप खा सकते हो। तो और शाम को इस व्रत में एक अनाज खाया जाता है। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना दूँगी और दही रखा हुआ है, तो पूड़ी और दही ये खा लेंगे या फिर दूध पूड़ी खा लेंगे। वैसे इनको दूध पूड़ी ज़्यादा नहीं पसंद है, ये दही पूड़ी आराम से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं पूड़ी और दही बनाऊँगी और अपने अक्षत आराध्य के लिए मैं भिंडी की सब्ज़ी बना लूँगी। तो हम भी पूड़ी के साथ भिंडी की सब्ज़ी खा लेंगे और ये पूड़ी के साथ दही खा लेंगे। तो बस यही है हमारा आज का डिनर, यही बनने वाला है आज डिनर में। तो अब हफ्ते में 2 फास्ट हमारा हुआ करेगा, ट्यूसडे ये रहते हैं एंड फ्राइडे मेरा व्रत रहेगा। तो इस तरीके से 2 दिन हमारा व्रत हो जाता है। और इसके बाद अभी अक्षत की पैकिंग भी करनी है क्योंकि वो नानी के साथ जाने की ज़िद कर रहा है और वैसे भी उसका स्कूल बंद है और बहुत ज़िद कर रहा है। इवन जब उसका स्कूल खुला था तब से वो ज़िद कर रहा है कि मम्मा मुझे नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। तो अब इतना ज़्यादा वो इंसिस्ट कर रहा है कि मैं उसको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है भेज देना चाहिए, क्योंकि बचपन में हम लोग भी ननिहाल के लिए ऐसे ही मम्मी पापा से ज़िद किया करते थे। तो बचपना तो उसका भी है। और बस यहाँ पर देख सकते हो के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। अगले दिन था वेंसडे और वेंसडे को मैंने सीधा मॉर्निंग में ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मम्मी लोग मौसी के घर से आ चुके हैं और मौसी के घर से आने के बाद यहाँ मेरे घर से भी मम्मी लोगों की विदाई हो रही। मम्मी लोग जा रहे हैं, मम्मी नेहा सभी लोग जा रहे हैं और अभी एकदम अर्ली मॉर्निंग है, सुबह का टाइम हो रहा है, ठीक से उजाला भी नहीं हुआ है। तो सबके सब जाने के लिए तैयार हैं और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, स्पेशली माँ को तो मैं रोक भी नहीं सकती हूँ अपने घर में, क्योंकि मम्मी लोग बेटियों के घर में कम से कम ही दिन रुकना पसंद करती हैं। तो बस यहाँ पर सारे लोग जा रहे हैं और बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पिछले 3-4 दिनों से मैं इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन अब फाइनली ये लोग जा रहे हैं। और सुबह सुबह का सफ़र हमारे घर में सभी लोगों को करना पसंद होता है। भाई जब भी कभी निकलता है तो मॉर्निंग में ही निकलता है, क्योंकि सुबह का जो सफ़र होता है बहुत ईजी होता है, कब हम पहुंच गए हमें पता ही नहीं चलता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो सफ़र हम 3 से 4 घंटे में तय करते हैं वो हमें 2 घंटे में ही हम पूरा कर लेते हैं, तो ये बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर बस विदाई हो रही है, अक्षत का भी बैग पैक हो चुका है, तो अक्षत भी रेडी है और मम्मी के साथ दादी भी जा रही है, मौसी की सासू माँ, तो उनको भी मम्मी उनके गाँव ड्रॉप कर देंगे। मम्मी के जाने के बाद फिर हमने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। फिर दोपहर में मेरा और मौसी का प्लान हुआ, हम लोग आलमबाग आए हुए हैं, यहाँ पर से मैं अक्षत को कुछ कपड़े लेके गई थी तो उसको साइज में प्रॉब्लम आ रही, तो बस वही चेंज करने आए हुए हैं। गुरु तुम्हारी दुकान वायरल हो गई तो पता लगा कि पानी पूरी तुम्हारी फेमस हो जाएगी लखनऊ की। छोलो पापा छोलो। तुम बताओ तुम्हारी पानी पूरी में खास क्या है, बता दो। हमारी पानी पूरी में बहुत हिंग, अरे इधर देख के बताओ। हाँ क्या है, पानी सबसे ज्यादा मशहूर है। अच्छा, हिंग और लहसुन पानी। अच्छा, वेरी गुड। कौन सा सीधा पानी पूरी? पापा छोटू ना, हमारा एड दे देंगे सबको देख के बाहर जाने। तो शिवा भाई तुम अपनी दुकान कहाँ लगाते हो बता दो। हम लोगों ने खाए हैं गोलगप्पे और यहाँ पर 6-7 तरह के गोलगप्पे का पानी था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो बस इतना ज़्यादा टेस्टी था कि हस्बैंड जी खुश हो गए और गोलगप्पे वाले से सारा उसका एड्रेस वगैरह पूछ लिया कि भाई तुम कहाँ लगाते हो, कहाँ पर तुम्हारी शॉप है, सब कुछ जानकारी ले लिया। और जल्दी आपने इनको देखा नहीं होगा कि ये बाहर का कुछ भी खाते हैं, लेकिन इन भाई साहब के गोलगप्पे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, तो ये खा रहे हैं खड़े होकर के और मैं इनका थोड़ा सा वीडियो बना ले रही हूँ। और हम सभी लोगों ने खूब पेट भर करके आज गोलगप्पे खाए हुए हैं, तो चलो काफ़ी अच्छा लगा। और मौसी के साथ थोड़ी देर के लिए आ गई तो मेरा भी मन लग गया, वरना मम्मी लोगों की जाने के बाद ना
बड़ा अजीब अजीब सा घर में लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही होता है, जब कोई घर आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और जब कोई जाने लगता है तो फिर उतनी तकलीफ़ होती है। तो बस यहाँ से हम लोगों ने गोलगप्पे वगैरह खा लिए, अब हम उसके बाद जा रहे हैं बड़ी वाली मौसी के घर, और वहाँ के लिए भी हमने गोलगप्पे पैक करवा लिए हैं, क्योंकि मनु लोग हैं वहाँ पर, उन लोगों को भी गोलगप्पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलो फिर हम पहुँच गए हैं अपने मौसी के घर, और ज़्यादा मैंने वहाँ पर कुछ वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, और वीडियो कहीं पर मैं एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।